कि हुसैन को शरफ़े शहादत मिल जाए, इसलिए उसने यजीद को वसीला बनाया ताकि हुसैन को ये शरफ मिल जाए। नऊज़ु बिल्लाह, यजीद को अल्लाह सुबहानहु व तआला की तरफ से हुसैन को शरफ शहादत अता करने के लिए वसीला करार देने वाले, याद रख जहन्नम में जाने के लिए तेरा वसीला भी यजीद ही बनेगा। ये है बहका हुआ इरफान, भटका हुआ तसव्वुफ। कोई भी भटक सकता है, सूफी भी, फकीह भी, मुतकल्लिम भी, हकीम भी, फलसफी भी, कोई भी भटक सकता है। सिरात मुस्तकीम पर कदम डगमगाए नहीं, इसके लिए बड़े रियाज की भी ज़रूरत है, बड़ी उधर से इनायत की भी ज़रूरत है। एक सलावात पढ़ दीजिए मुहम्मद वाले, बड़ी इनायत की ज़रूरत है। तो ये बहसें जब आगे बढ़ती हैं तो मैंने अर्ज़ किया कि हर शख्स की ज़िंदगी से जुड़ी हुई बहसें, कि हम जो कुछ करते हैं क्या अपने इख्तियार से कर रहे हैं या मजबूर हैं ये सब करने पर। तो यकीन रखिए विजदानन, आप सब हजरात अपने दिल और दिमाग की तरफ रुजू करें, ख़ुद विजदानन अपने दिल से पूछें, वाकई आप से जब कोई ग़लती सरजद होती है तो आपका दिल उस गलती को गलती कहता है या नहीं। और जब कोई नेक अमल आप अंजाम देते हैं तो आपका दिल उस पर मसर्रत महसूस करता है या नहीं, और उस नेकी को नेकी कहता है या नहीं। अगर ये दिल, आपका दिल तो झूठ नहीं बोलता ना आपसे, आप दूसरों से जो कुछ भी बोलते हो, सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, आपका दिल आपसे झूठ नहीं बोलता। तो आपका दिल, आपका जहन, आपका ज़मीर जब नेक व बद में फैसला करता है, तफरीक करता है, फ़र्क करता है, बुराई को बुराई कहता है, अच्छाई को अच्छाई कहता है, नेकी को नेकी कहता है, बदी को बदी कहता है, हुस्न को हुस्न कहता है, कुबह को कुबह कहता है, हुस्न को इख्तियार करने के लिए उसमें जज्बा पाया जाता है, कुबह से बचने के लिए उसमें एक मुदाफ़ियत पाई जाती है, ये आपके अंदर मौजूद है। और आप इसी तरह जब दूसरों के अमल को देखते हैं, दूसरों के अमाल को देखते हैं, तो किसी से अगर अच्छाई सादिर होती है तो उसकी सताइश करते हैं, तारीफ़ करते हैं, पसंदीदगी का इजहार करते हैं, किसी से बुराई जाहिर होती है तो आप उससे नापसंदीदगी का इजहार करते हैं। अगर आपकी फितरत में ये चीज़ मौजूद है तो फिर आप किस तरीके से कह सकते हैं कि हम मजबूर महज हैं, किस तरीके से कह सकते हैं। विजदानन, खुद अपनी ज़ात में डूब कर ये मानी कश्फ करें कि आप किसी बुराई से बच सकते हैं या नहीं, क्या कहता है आपका दिल। गुनाह करने के बाद भी दिल मलामत करता है कि मियां ये ना करते तो अच्छा था, होता है या नहीं ये तजर्बा, और महसूस करते हैं या नहीं कि हां हम ना करते तो अच्छा था। तो ये तबीयत में बुराई से रुकने की इस्तेदाद और सलाहियत भी मौजूद है ज़ात में, फितरत में आपके अंदर, और अच्छाई को अंजाम देने की सलाहियत भी मौजूद है। जब आपके अंदर किसी चीज़ को इख्तियार करने और किसी चीज़ को तर्क करने की सिफत और सलाहियत और इस्तेदाद मौजूद है तो फिर आपको मजबूर, आप अपने आप को मजबूर महज कैसे कह सकते हैं। मुमकिन नहीं है कि आप अपने को मजबूर महज कहें, मुमकिन नहीं। जनाब वाला, में वक्त तेजी से गुजरता जा रहा है मगर एक बात कहने का जी जाता है, आप तो इंसान हैं, बशर हैं, अशरफुल मखलूकात हैं, मैं तो कहता हूं चलिए जंगलों में चलिए या घरों में जानवरों को पाल के देखिए, जानवरों को भी अल्लाह सुबहानहु व तआला ने जो खल्क फरमाया है उनके अंदर भी एक इख्तियार रखा है।
वो जानवर जो जंगलों में रहने के आदि हैं उन्हें आप ला के घर में लाख बांधें, लाख खातिर करें, लाख मुदारात करें, जब तक गले में जंजीर रहेगी या वो बंधे रहेंगे, पिंजड़े में बंद रहेंगे, वो आपके पास रहेंगे, ज़रा सा उन्हें छोड़ दीजिए, खोल दीजिए दरवाज़ा, वो फौरन जंगल की राह लेंगे। ये उनका इख्तियार है जो अमल कर रहा है, उनका इख्तियार है। अल्लाह ने जहाँ के लिए उन्हें बनाया है वो वहाँ की राह ले लेते हैं। ये आपकी और हमारी बदनसीबी है कि हमें जहाँ के लिए बनाया है वहाँ की राह हम भूल जाते हैं। बस मिसालें देकर ही गुफ्तगू को अब आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि खालिस इल्मी असलाहों में तो फिर वक्त सर्व होगा। हमें जहाँ के लिए बनाया है हम वहाँ की राह भूल जाते हैं। कोताहियाँ होती हैं, गफलतें होती हैं, ये गफलतें हैं, कोताहियां हैं, जबर नहीं है। हक सुबहानहु व तआला ने इंसान को बहुत बुलंद तरीन मंजिलों के लिए पैदा किया है। उसकी मशीयत से मुताल्लिक ये बात है कि इंसान कमालात तक पहुंचे और इंसान ऐसी इबादत करे कि वो बहिश्त का मुस्तहक बन जाए। ये उसकी मशीयत है। उसकी मशीयत ये नहीं है कि इंसान जहन्नम में जाए। इसीलिए मासूम ने जो इरशाद फरमाया आम सतह ज़हनी को सामने रखकर, का हक सुबहानहु व तआला की एक मशीयत है, एक इरादा है, एक मर्जी है। कभी कभी वो किसी चीज़, कोई चीज़ उसकी मशीयत में होती है मगर वो उससे राजी नहीं होता। मुमकिन है कि चंद दकीक़े ज़्यादा सर्फ हो जाएं, लेकिन आज एक मिसाल और दे दूं। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। भाई ये कैसे मुमकिन है कि कोई चीज़ मशीयत में हो, इल्म में हो और फिर उससे राज़ी भी ना हो। अब ये हम अपनी और आपकी ज़िंदगी से मिसाल देते हैं। फ़र्ज़ कीजिए, फ़र्ज़ कीजिए कि कोई साहब हैं, उनके दो बेटे हैं, एक बेटा नहायत लायक, ईमानदार, दयानतदार, इताअत शियार, और एक बेटे के बारे में उन्हें पता चल गया है कि ये झूठ भी बोलता है और ख़यानत भी करता है। जब हम पैसे देते हैं कोई चीज़ मंगाने के लिए तो वो मिलती है चीज़ जितने की वो कीमत दुगनी बताता है और बाकी पैसे रख लेता है। इल्म हो गया, ये यकीन है, ठीक है। अब इन्हें करना ये है कि इसकी तरबियत करनी है। तरबियत करने के लिए कभी कभी इस तरह बच्चे झूठ बोलने लगते हैं कि आप लाख कहिए बेटे सच बता दो, वो नहीं बताते। तो फिर उनकी ज़बान से सच्चा एतराफ़ कराने के लिए तदबीरें करनी पड़ती हैं। आप जानते हैं कि ये खाइन है, खयानत करेगा, मगर आपने उसे बुलाया। अब मैं हिंदुस्तानी ज़बान में बात कर रहा हूँ तो हिंदुस्तानी मिसालें दूंगा, आप लोग लंदन में बैठे हैं पाउंड में तर्जुमा कर लीजिएगा। आपने उसे 100 रुपये दिए, चीज़ थी 50 रुपये की। आपने कहा बेटे ये ले जाओ, आप दे रहे हैं उसे, आपको मालूम है कि चीज़ 50 की है, आपको आप दे रहे हैं उसे 100 रुपये, आपको मालूम है कि ये आके बताएगा कि ये चीज़ 90 की या 100 की मिली। आपने दूसरी तरफ दूसरे बेटे से कहा कि तुम ज़रा फासले से खड़े रहना और जब इसकी बात हो दुकानदार से तो सुनना कि वो क्या कह रहा है, देखना कि क्या कीमत दे रहा है। और हमारे यहाँ अब वो बेटा, उसे खबर नहीं कि कोई शख्स मुझे देख रहा है, वो गया।